सुना, एक श्लोक और ले लीजिए। बोले गत्योत्कम पालक पति तैर गत्योत् यत्र मंदार पुष्पै पत्र छेदै कनक कमलै कर्ण विभ्रंशिभिश्च मुक्ता जालै स्तन परिसर मुच्यते मुक्ता जालै स्तन परिसर मुक्ता जालै छिन्न सूत्रैश्च हारै नैषो मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामिनि सूच्यते कामिनि। अब उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा श्लोक लिखा। यक्ष बता रहा है किससे, मेघ से। मेघ कहाँ पहुँचा है, अलकापुरी में। तो यक्ष अलकापुरी का परिचय बता रहा है कि तुम मान लो रात में पहुँचोगे ना, सुबह सुबह जब होगी तो वहाँ के मार्ग भी तुम्हें सूचित करेंगे, कुछ वहाँ के रास्ते तुम्हें कुछ बताएंगे, वहाँ के मार्ग तुम्हें कुछ बताएंगे। और ये भी बड़ा सुंदर सा श्लोक दिया, क्या बोले, नैषो मार्गः। निशा माने तो नैषा मार्ग माने रात्रिकालीन मार्ग। सवितु उदये सवितु सविता माने सूर्य के उदिते माने तो सवितु उदये सविता के उदित होने पर सूर्य के उदित होने पर नैषा मार्ग जहाँ का रात्रि का मार्ग। यत्र माने जहाँ, जिस अलका में नैषा मार्ग रात्रिकालीन मार्ग सूर्य के उदित होने पर क्या होता है, सूच्यते, मालूम पड़ता है कि इधर से रात में कोई गुजरा है, रात्रिकालीन कोई गुजरा है या गुजरी है। इधर सुबह सुबह सूर्य उदित होता है तो पता चलता है, ऐसा यक्ष बता रहा है मेघ से। कालिदास लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। सुनेंगे पक्का हम सुना देंगे। रात में अलकापुरी के मार्गों से कौन निकला है, ये कुछ सूचनाएं मिल रही हैं। बोले किसका मार्ग है, बोले सूचना मिल रही है कि कामिनीना, जो कामिनियां हैं उनका ये मार्ग है। रात्रिकालीन मार्ग में इधर से अभिसारिकाएं निकली, कामिनियां निकली, सुंदरियां निकली हैं, प्रियतमाएं निकली हैं, रात में प्रियतमों से मिलने गई हैं, ऐसा वो रास्ते बता रहे हैं। रात में इस गली से कोई गुजरा है, इस गली से कोई गुजरा है, ये गली जिसके भी कमरे की ओर जा रही हो, उस गली में कुछ चिन्ह मिले हैं, उस गली में कुछ चिन्ह मिले हैं, और वो चिन्ह बताते हैं कि इधर से रात में कोई कामिनी गुजरी है। देखना कालिदास बड़े संभाल के लिख रहे हैं, मैं भी अपनी वाणी को बड़ा विराम से, बड़ी मर्यादा से, बड़ी विनम्रता से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आपको अभिनम्रता नजर आए तो ये आपकी अपनी विचारधारा है। अब देखो हर आदमी सावधान हो जाएगा, बोले कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, बोलो तो बोलो, नहीं तो हम मूर्ख हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए समझ लेना, क्योंकि ऐसा लिखा है, जो लिखा है वही मैं बोलूँगा। बोले गत्युत्कम पात, बोले गत्युत्कम, अब बोले अलक पति तई, अलक माने बता दिए हैं, अब पति तो माने
बोले गति में उत्कंपा है, रात में चल रही है ना, तो जरा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रही हैं, और रात में कोई आदमी किसी से चोरी चोरी मिलने जाता है का हो, तो गत्युत्कंपा, गति में उत्कंपा होती ही है। कालिदास ने कहा अलक पति तई, अलक माने बालों से, पतित माने गिर गया है, यत्र माने जहाँ, एक एक शब्द का अर्थ बता दूं नहीं, आप कहेंगे अपने से जोड़ रहे हैं, अलक माने बालों से, पतित माने गिरे हैं जहाँ, मंदार पुष्पी ही, मंदार के फूल जिन रास्तों में गिरे हैं। तो किसी ने कालिदास से पूछा कि काहे गिरे हैं, बोले गत्युत्कंपा, धीरे धीरे चलती तो नहीं गिरता, जल्दी जल्दी चल रही है, भाग रही है, गत्युत्कंपा। क्या लिखा है कालिदास की लेखनी देखना, इतने लिखते कि अलक पतितई ही, अलक माने पतितई ही माने क्या, गिरे हैं मंदार पुष्प गिरे हुए हैं, और इन मंदार पुष्पों से कामिनी नाम नैषः मार्गः ये सूच्यते, इस रास्ते से कोई सुंदरी निकली है रात में, ये गिरे हुए मंदार के फूल बता रहे हैं, और ये गिरे हुए मंदार के फूल जब सविता माने सूर्य के उदित होने पर सवेरा हुआ, लोगों ने देखा कि यार इधर रास्ते में तो फूल गिले हैं, तो समझदार आदमी जान गया कि कोई फूल वाली रात में इधर से गुजरी है, सिंपल सिंपल चलती तो फूल नहीं गिरता, गति उत्कंपा, उसकी गति में, उसकी चाल में उत्कंपा थी, हड़बड़ाहट थी, घबराहट थी, भगभगाहट थी, डराहट थी, बोलो हाँ, यही है गति उत्कंपा, ये रीजन है, पांच पंचमी का प्रयोग किया, गत्युत्कंपा, गति में उत्कंपा होने के कारण हुआ क्या, बोले अलक पति, क्या गिरा, बोले मंदार पुष्प, मंदार के फूल गिर गए, और नीचे आओ, बोले पत्र छेद, पत्र छेद कनक, आगे कहा कि पत्तों के टुकड़े, पत्र छेदे ही, पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े, और स्वर्ण के कमलों से पत्ते बनाए थे, सोने के वो स्वर्ण कमल थे, कनक कमल थे, और वो स्वर्ण के कमलों से स्तन, बोले पत्तों के ना जैसे सोने के छोटे छोटे पत्तादार, स्वर्ण में पत्तादार बना हुआ था, तो जल्दी जल्दी चलने से उनके कानों से वो स्वर्ण में जो सोने के कान में पहने जाते हैं, एकाठ कनबलिया भीग गई थी रस्ते में, एकाठ क्या गिर गई थी, हाँ कनक कमल, लेकिन वो काहे का था, सोने का था, ऐसे कान में पहनने वाले गति, और ये सब क्यों हो रहा है, गत्युत्कंपात, ये भी क्यों हुआ, हाँ तो बोले कर्ण विभ्रंसिभिश्च, आगे लिखा कर्ण विभ्रंसिभि, विभ्रंसन माने गिरना, पतित होना, विभ्रंस होना, खिसक जाना, कानों से खिसक करके रास्ते में गिर गए हैं, क्या, कनक कमल के पत्ते, कनक कमल के स्वर्णमय कमलों के छोटे छोटे जो कानों में पत्तेदार, स्वर्णमय कानों में जो पत्तेदार पहने गए थे, वो भी कर्ण विभ्रंसिभिश्च, कानों से खिसक करके रास्ते में गिर गए हैं, और ये पता चलता है सवितुरुदये, जब सूर्य उदित हो जाता है तब, रात में बिचारी जल्दी जल्दी ढूंढी होगी, नहीं मिला चली गई, और हमें तो लगता है ढूंढी ही नहीं होगी, इसलिए साला कनक का छोटा सा पत्ता गिर गया, कौन ढूंढेगा, जहाँ की लड़कियाँ सोने के बालू में मणि लुका लुकोवर खेल रही हो, उनके काने से गिर जाए पौआ खान सोना, क्या मतलब है, बोलो हाँ, ये थोड़ी है कि हार हम और एक ग्राम, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 15 ग्राम है, जहाँ की लड़कियाँ सोने के बालू में छुपा छुपौवा खेल रही हो, उनके काने से कनबल्ली गिर जाए कि उनको उतार के तुम्हारे खुद दही नहीं है, नहीं उनको जरूरत ही नहीं है, गिर जाएगी, घर में भी 15 सेट रखा है, बोलो हाँ। अब ये तो दूसरी लाइन हुई, पत्र छेदे कनक कमले कर्ण विभ्रंसिभिश्च, आगे कहा मुक्त जाले स्तन परि, मुक्त जाले स्तन परि छिन्न सूत्रैश्चहारे, आगे इन्होंने कहा कि स्तन परिसर, जो स्तन का भाग है, स्तन का परिसर है, उससे छिन्न, जब वो जल्दी जल्दी चल रही थी तो स्तनों से अगल बगल से जो हार पहना हुआ था, तो स्तन भाग पर टूटे हुए धागों वाले, मान लो किसी कोई हार पहनी है तो धागा जल्दी जल्दी चलने से धागा टूट गया, उससे मोतियों की माला है, मुक्ता जाल मने
हाँ, मोतियों की मालाओं के जो हार ही हार थे, उन मालाओं से वो पूरे हार की गुड़िया गली गली में छितर गई हैं। और वो मोतियों की माला से टूटी हुई वो हार की क्या मोती रास्ते में बिखरे हैं। इससे ये पता चला कि कोई मोतियों की हार पहनने वाली कामिनी इस रास्ते से रात में गुजरी है और जल्दबाजी के कारण उसका स्तन भाग में पहनने वाला जो मोतियों की माला था उसके हार टूट गए हैं, तो रात में मोती यहाँ से वहाँ तक बिखर गए हैं। तो ये बिखरे हुए मोती, ये गिरे हुए कान के पत्र छेद और ये अलकों से गिरे हुए मंदार के पुष्प सविता के उदय होने पर, सूर्य के निकलने पर कामिनियों के मार्ग को सूचित करते हैं कि ये रास्ता, ये गली है, इस गली से कोई कामिनी रात में गुजरी है। और वो गली से कोई कामिनी रात में गुजरी है हर आदमी कैसे जान लेता है? बोले कानों से गिरे हुए कनक कमलों से, फूलों से गिरे हुए मंदार पुष्पों से और मोतियों के गिरे हुए कुछ मोतियों से, मोतियों के माला टूट करके जो बिखरे हुए मोती हैं, इन चीजों से पता चलता है कि नई शो मार्गा सभी टूरुदय सोचते कामिनीनाम नैशो मार्गः सूच्यते कामिनीनाम, सुंदरियों के, कामिनियों के, अभिसारिकाओं के, प्रेमिकाओं के, प्रियतमाओं के, नैसा मार्गः रात्रिकालीन मार्ग, सवितुरुदय सूर्य के उदित होने पर, सूच्यते माने सूचित हो रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ, श्लोक पर ज्यादा ध्यान लगाइए, श्लोक के भावों पर कम, बोले हाँ। और सवालों पर उससे ज्यादा ध्यान लगाइए कि किसके उदित होने पर कामनियों का मार्ग दिखाई पड़ रहा है? सूर्य के उदित होने पर। सूर्य के उदित होने पर किनका मार्ग सूचित हो रहा है? कामनियों के। कामनियों के बालों से क्या गिरा? या मंदार के पुष्प कहाँ से गिरे? कामनियों के बालों से। कर्ण विभ्रंस भी किम, कानों से क्या गिरा? कनक कमल का पत्र छिन्न। और आगे कहा कि स्तन परिसरात, स्तन के भागों से टूट करके क्या गिरे? और इन मोतियों से, इन कनक कमलों से और इन मंदार पुष्पों से सविता के उदित होने पर कामिनियों का मार्ग सूचित हो रहा है। और ऐसा मार्ग जहाँ सूचित हो रहा हो वह नगरी कर लेंगे ना? तो बोले मुक्ता जालस्तान परिसर छिन्न सूत्रैश्च हार नैशो